वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हमारे सामने जो है मिस्टर मनीष गुप्ता जी हैं, जो कि LIC इंश्योरेंस के स्पेशलिस्ट हैं। साथ साथ जो है ये बाकी कंपनीज यानी प्राइवेट सेक्टर के भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को भी देखते हैं, और ये भारत के इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो आज हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि एक्सीडेंटल क्लेम प्रोसेस के बारे में, कि यदि किसी व्यक्ति की इंश्योरेंस है यानी कि वो उसने लाइफ और LIC ले रखी है या कोई अनदर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी अदर कंपनी की ले रखी है, तो अगर यदि उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्लेम प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि क्लेम का प्रोसेस क्या है। सर, क्लेम हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि हमारा नॉर्मल होता है, और एक होता है एक्सीडेंटल। नॉर्मल में सर अगर कुछ भी होता है तो हमें पेपर की क्या ज़रूरत पड़ती है उसके विषय में बताता हूँ मैं आपको। पहले तो हमें क्या होता है कि हमें एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। डेथ सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल हो जाता है तो उसके संग में नॉमनी जो भी है, घर का जो भी व्यक्ति नॉमनी बना हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में हमें आधार और पैन और उसकी कैंसिल चेक चाहिए होती है बैंक की, और उसको हम अटेस्टेड करके, मतलब कि जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है अटेस्टेड करके ले लेते हैं और इसको लगा देते हैं। तो क्लेम विद इन 15 से 30 डेज में आपका क्लेम सेटलमेंट हो जाता है। अब आते हैं एक्सीडेंटल पे। एक्सीडेंटल के क्लेम में अगर हमारा कोई भी व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर होता है तो उस केस में हमें सर FIR की ज़रूरत पड़ती है। FIR होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, उन दोनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। अगर वो नहीं होता है तो उस केस में हम लोग उसको जनरल केस में मान लेते हैं और फिर जनरल का क्लेम देते हैं। एक्सीडेंटल क्लेम में सर हमारा जो सम इंश्योर्ड का अमाउंट होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। तो नॉमनी को ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे जितने लाख की उसने सम इंश्योर्ड लिया है, सपोज दैट ने मतलब पर्सन ने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया था और उसकी डेथ इंश्योरेंस मतलब कि रोड एक्सीडेंट में होती है, तो वहाँ पे हम नॉमनी को 20 लाख रुपए का क्लेम पे करते हैं। बस शर्तें बस ये है कि उसकी FIR होनी चाहिए और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी पेपर जो मैंने अभी आपको पहले बताए थे वो सारे पेपर आपको वैसे एजिटिव देने पड़ेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच।